गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डे 8 में हम नया टॉपिक बिगिन कर रहे हैं इस चैप्टर का, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बेटा, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण है, चाहे वो एडमिशन के कारण है, चाहे वो रिटायरमेंट और डेथ के कारण है, फर्म के असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है। क्योंकि जो असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू है और जो असेट्स की बुक वैल्यू है, उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम असेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो जाती है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम ये रिवैल्यूएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। इवन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम आपको ये रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो बच्चे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर रिवाइज वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है या रिवाइज वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी, ये टॉपिक सिमिलरली उसी टॉपिक की तरह है जैसे हमने रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट किया था। वहां पर भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्या पार्टनर्स रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अपने कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली यहाँ पर ट्रीटमेंट है, अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, और अगर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, उसका नेट इफेक्ट की एंट्री पास करना चाहते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। बेटा, जब रिवाइज वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बच्चे इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम भी दे सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल है, तो बच्चे जहां भी एक्सपेंसेस होंगे वहां पर या लॉसेस होंगे वहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, और जहां पर भी इनकम या प्रॉफिट अराइज होंगे वहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्रीज पास करेंगे अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रिवाइज हो रही है। लेट अस सपोज असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, असेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गई। बेटा, लेट अस सपोज लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 60,000 की थी और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 80,000 हो गई, तो 20,000 से इंक्रीज हो गई है वैल्यू, उसमें रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये प्रॉफिट है, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई और प्रॉफिट को कहां डाल दिया, रिवैल्यूएशन में। और कितने अमाउंट से करना है, जितने अमाउंट से रिवैल्यू हुआ है, 60 का था 80 का हो गया, तो कितने से रिकॉर्ड करना है, 20,000 से। बेटा, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है लॉस है फर्म के लिए, ऐसे केस में रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, साथ में असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है टू असेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब हम ऐसी किसकी बात करते हैं, लायबिलिटी। बेटा, कोई लायबिलिटी थी जो इंक्रीज हो गई है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। अगर फर्म के लिए लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कीजिए, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, लायबिलिटी बढ़ गई है, क्रेडिट बैलेंस है, इसमें क्या कर दीजिए, और क्रेडिट। लॉस है ड्यू टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन डेबिट। अगर बच्चे कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, क्रेडिटर्स की पेमेंट कम करनी है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, फायदा हो गया,
तो क्या एंट्री करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कोई अनरिकॉर्डेड असेट था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, एक टाइपराइटर था जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स बढ़ जाएंगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स टू प्रॉफिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी और अब आपको पे करनी है, तो बच्चे आपके लिए लॉस है, क्या कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बच्चे यहां पर हमने असेट का इंक्रीज, असेट का डिक्रीज, लाइबिलिटी का इंक्रीज, लाइबिलिटी का डिक्रीज, कोई अनरिकॉर्डेड असेट और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट कर दिया है, और पार्टनर रिवाइज वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बेटा अब आप इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज है, डेबिट साइड से एक्सीड कर रही है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में रिकॉर्ड कीजिए, ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये सारे आइटम्स प्रायर पीरियड हैं। और बच्चे ये भी हो सकता है कि डेबिट साइड एक्सीड कर रही हो क्रेडिट साइड से, तो रिवर्स एंट्री पास कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो लॉस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चे ये एंट्री किसकी है, लॉस की, और ये एंट्री किसकी है बच्चे, प्रॉफिट की। ऑलराइट, यहां पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लिया। मैं फिर से रिवाइज करा रही हूं, अगर असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू रिवाइज हो रही है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो वो रिवाइज वैल्यू हो सकता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहते हो या रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं पार्टनर्स, तो उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, अगर एक्सपेंस या लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दीजिए, डेबिट, अगर इनकम या प्रॉफिट्स हैं तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट। वन बाय वन करके फिर से रिवाइज करते हैं, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड असेट है, वैल्यू इंक्रीज हो गई असेट्स की, फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे, रिवैल्यूएशन खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉस, और जो वैल्यू असेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज हुई है वो न्यू बैलेंस शीट में आप शो कर देंगे। अब बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इन एंट्री से, आप भी अपनी नोटबुक्स में मेरे साथ बना लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखिए टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फर्म के लिए लॉस है, कहां रिकॉर्ड कर दिया, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ऐसे ही असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिकॉर्ड कर दीजिए कहां पर, क्रेडिट साइड पर, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स।
ऐसे ही अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फर्म के लिए लॉस है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दीजिए टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्म के लिए गेन है, रिकॉर्ड कर दीजिए क्रेडिट साइड बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यस, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हो गई, बेटा ये हमारे लिए लॉस है, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड असेट आ गया, ये हमारे लिए फायदा है, लिख लीजिए बाय अनरिकॉर्डेड असेट। अब जो प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड कर रही है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, अगर कैपिटल क्या है फिक्स्ड। अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रही है क्रेडिट साइड से तो बच्चे फर्म के लिए लॉस है, लॉस ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी रिवाइज वैल्यू है वो सारी रिवाइज वैल्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएंगी। बेटा ये सारी एंट्रीज आपको किससे डालनी है, डिफरेंस से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में 1 लाख का था और 10% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो एंट्री कितने से पास करनी है, 10,000 से। जो चेंज आ रहा है असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको दिखाना है। और रिवैल्यूएशन कब कर रहे हैं असेट्स और लाइबिलिटी का, जब फर्म के पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बेटा इसका रिवर्स टॉपिक क्या आता है, जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो ठीक है, हम जो बैलेंस शीट में आइटम्स हैं जैसे अपीयर हो रहे हैं वो वैल्यू वही रखेंगे। बट बच्चे जो प्रॉफिट और लॉस है वो तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में, वो हमने सीखा हुआ है, हम क्या पास कर देते हैं उसके लिए, यस एडजस्टिंग एंट्री। क्या है बच्चे एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री है गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करना है, वही स्टेप जो आपने पहले फॉलो किया है गुडविल में, या रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस ट्रांसफर नहीं करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, फाइंड आउट हु आर सैक्रिफाइजर एंड गेनर्स पार्टनर, देन फाइंड आउट नेट इफेक्ट जिससे आपको एंट्री पास करनी है। जहां जहां भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है या अनरिकॉर्डेड असेट आ गया, बेटा ये सारे क्या है एड में, इन सबको पहले क्या कर लीजिए, एड कर लीजिए। और जहां भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हो गई, बेटा ये सब इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस। नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए कि रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट और लॉस क्या है, और उस नेट प्रॉफिट और लॉस से बेटा एंट्री पास कर दीजिए गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर। फिर से ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, बेटा ये सब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है,
तो इसमें जिन पार्टनर्स को प्रॉफिट में आगे फायदा हो रहा है उन्हें ये बेटा सेक्रीफाइजर पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। इसलिए एंट्री पास करिए गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस या प्रॉफिट निकाल लीजिए रिवैल्यूएशन का और बच्चे उनके रेशियो में क्या कर दीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए। सेम चीज हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस में पढ़ा था, अगर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स बांटना चाहते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए, और नहीं बांटना चाहते तो एंट्री कर दीजिए गेनर्स टू सेक्रीफाइजर। सेम यहाँ पर है, अगर रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिवाइज वैल्यू सारी रिकॉर्ड कर दीजिए रिवैल्यूएशन के थ्रू, और नहीं करना चाहते तो एंट्री पास कर दीजिए गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक रीड कर लिया, अब इसके इलस्ट्रेशन हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। बेटा पर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रही हूँ, जो बच्चों का डाउट आया था वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। बच्चे एक क्वेश्चन था, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है इक्वली 1:1, एक नया पार्टनर आ रहा है सी और इनका ये नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और बच्चे अगर ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और आपको क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, तो बेटा गुडविल के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर है, कौन से गेन है। एंट्री तो आप पास कर देंगे गेनर्स टू सेक्रीफाइजर, पर बेटा आपको पहले क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो, वो क्वेश्चन में गिवन है। वन थिंग यू रिक्वायर्ड इज न्यू रेशियो, तो मैं आपको इसमें न्यू रेशियो निकालना सिखा रही हूँ। हालांकि एडमिशन के टाइम हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि किस तरीके से न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर का शेयर एक्वायर कर रहा है, पर यहाँ पर आप नोटिंग कर लीजिए, यहाँ पर मैं कह रही हूँ लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, टोटल प्रॉफिट को क्या मान लीजिए 1, क्योंकि रेशियो में है ये सब चीज। सी जो नया पार्टनर आ रहा है, सी का शेयर क्या है 1/5, ऑलराइट, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1-1/5, तो बच्चे कितना 4/5, और 4/5 कौन ले लेगा, ए और बी किस रेशियो में 1:1 में, तो मतलब 4/5 का आधा ए को चला जाएगा और बी का क्या हो जाएगा बेटा 4/5 का हाफ बी को मिलेगा 4/10, तो बच्चे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा ए का 4/10, बी का 4/10 और बच्चे सी का 1/5। बेस को सेम कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए किससे 2 से, तो क्या बन जाएगा 4:4:2 या बच्चे 2:2:1। नाउ दिस इज न्यू रेशियो एंड दिस वन इज ओल्ड रेशियो। Now you can easily compute sacrifice or gaining ratio and pass the journal entry gainers partner capital account debit to sacrificers partner capital account. एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं, बेटा weighted average profit मैंने आपको बताया था कब apply करना है, जब profit continuously increase हो जाए या decrease हो रहे हो, but अगर question specifically कह रहा है कि आपको weights लगाने हैं तो बच्चे आपको वेट्स लगाने होंगे, चाहे ट्रेंड मिल रहा है दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा। ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप करते रहिए, मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में सॉल्यूशन दे दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।